आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा। मेरे चैनल का नाम ममता विश्वकर्मा ब्लॉग्स है। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा काढ़ा जो बच्चों के लिए मैं बनाने वाली हूँ। बच्चे भी आजकल का जो माहौल है उसमें बच्चे भी काढ़ा नहीं पी रहे हैं, तो मैंने भी बच्चों के लिए अपने काढ़ा बनाया था तो नहीं पी रहे थे, तो फिर मैंने एक आइडिया लगा कि इस तरीके से मैंने बनाया बच्चों के लिए, तो मेरे बच्चे तो बहुत इंजॉय करके पिए, उनको तो पता ही नहीं चला कि ये काढ़ा है कि क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि कैसे बच्चों के लिए काढ़ा बना के बच्चों को पिला सकते हैं, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काढ़ा बनाना कैसे है, उसमें कौन सी चीज़ें डालनी है, वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है और इसमें मैंने कौन सी चीज़ें ऐड की हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक टोप में जिसमें मैं चाय बनाती हूँ उसमें मैंने एक गिलास पानी ऐड किया है और गैस को ऑन कर दिया है। तब तक यहाँ पे जो मैं चाय में डालने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने 4-5 काली मिर्च लिए है, 2 लवंग, 1 हरी इलायची लिए और यहाँ पे छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है कूट के। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसे कूट के ले लिया है और इसमें मैं और भी कुछ ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ तुलसी के पत्ते और ये गुरुच का पत्ता होता है, ये बहुत अच्छा रहता है अगर आप काढ़े में डाल रहे हो ना, तो बहुत अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश करके इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे भी ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर मेरा जो चाय का पानी है उसमें भी उबाल आ चुका है, तो उसमें जो हमने सारी चीज़ें कूटी थी वो ऐड कर दूंगी। तो इसे यहाँ पे थोड़ा सा लगा है तो इसमें भी थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड करके जितना बचा हुआ है वो भी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से पका लेना है। तो इसमें और भी कुछ ऐड करना है तो चलिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अजवाइन, तो अजवाइन देख सकते हो मैंने छोटी चम्मच से 1 चम्मच लिया और इसे मसलते हुए ही ऐड करना है चाय में। अजवाइन का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। तो देख सकते हो हल्का सा उबाल आ चुका है चाय में, तो इसमें मैं हल्का सा मतलब 1/2 चम्मच से भी कम चाय पत्ती ऐड करना है। चाय पत्ती सिर्फ नाम के लिए रहेगा इस काढ़े में। यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे हम और यहाँ पे स्वाद अनुसार शक्कर, तो आप चाहे तो मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर भर के 1 चम्मच लिया था। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते जब तक इसका पानी आधा नहीं हो जाता और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हो इसका पानी आधा हो चुका है और इसका कलर भी जो है ना अच्छे से चेंज हो चुका है। तो इसमें एक चीज़ और ऐड करना है, हाँ, दूध। दूध बच्चों के लिए बहुत बेस्ट होता है बड़ों के लिए। तो इस तरीके से मैंने देखे 1 गिलास भर के मैंने दूध डाला है और दूध को भी हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पे जो उबाल आ चुका है तो गैस को मैं एकदम स्लो करूँगी और इसे 2 से 3 मिनट ही हमें पका के लेना है, ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है। तो इस तरीके से हमें पका के ले लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और चाय का कलर भी चेंज हो चुका है। तो मैं गैस को करूँगी बंद और फिर उसके बाद मैं आपको कलर दिखाऊंगी, नेचुरल कलर। देखिए इसमें कितना हल्दी का भी कलर आ रहा है और जो चाय का जो टेस्ट होगा ना, एक टाइम का मतलब हम भी पी सकते, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो चलिए एक कप में मैं छान लेती हूँ छन्नी की सहायता से। तो यहाँ पे मैंने छान लिया है, तो आप देख सकते हो इसका कलर देखिए। आपको ऐसे तो नहीं दिख रहा है पर अगर आप घर पे बनाओगे ना तो आपको हल्का सा येलो टाइप दिखेगा, जैसे हल्दी वाला दूध होता है ना उस तरीके का ये दिखेगा। आपको तो पता ही हल्दी वाला दूध कितना फ़ायदेमंद होता है और इसमें तो हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं जो कि
हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के बॉडी के लिए बहुत अच्छा। आजकल का जो कोरोना माहौल है ना, बच्चों को इस तरीके से काढ़ा बना के दीजिए, बहुत यम्मी और टेस्टी होगा। आप चाहे बच्चों को पराठे के भी साथ इसे खिला सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो, छोटा सा वीडियो और जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।